दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे निचला हिस्सा कैसा है? इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित एक ऐसा समुद्र है जिसमें ना तो जीव पनप पाते हैं और ना ही इसका पानी किसी काम आ सकता है। इस समुद्र में सिर्फ बैक्टीरिया और काई ही पाई जाती हैं। फिर भी यह दुनिया के सबसे अनोखे टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। दरअसल इसका नाम डेड सी है। अक्सर आप सोचते होंगे कि आखिर क्यों कहते हैं इसे डेड सी, कि आखिर कैसे पड़ा इसका नाम डेड सी। तो चलिए जानते हैं। डेड सी का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे पनप नहीं सकते। इसके पानी में और समुद्र के मुकाबले 10 गुना ज्यादा नमक मौजूद है। इसमें जो बैक्टीरिया और काई मौजूद हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो हम आपको बताते हैं। जियोलॉजिस्ट के अनुसार पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गई थी, जिसके कारण बीच में एक गड्ढा बन गया था। यह पहले मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इतने लंबे समय तक टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव के कारण यह अलग हो गया। अब इसके पानी का मुख्य स्रोत जॉर्डन नदी है। इस पानी में कोई नहीं डूब सकता। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस समुद्र की खासियत यह है कि इस पानी में कोई नहीं डूब सकता। इसमें नमक का कंटेंट बहुत ज्यादा है, इस कारण यह नेचुरल बायंसी बढ़ाता है और सख्त पानी में तैरने लगता है। पानी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, कहा जाता है कि डेड सी का पानी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है। त्वचा से जुड़ी हर समस्या इस पानी से ठीक की जा सकती है। इससे सेल्यूलाइट की दिक्कत भी खत्म होती है, क्योंकि इसके पानी में बहुत ज्यादा नमक और मिनरल्स पाए जाते हैं। मृत सागर समुद्र तल से 1440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहे जाने वाला सागर, इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ दिलचस्प जानकारी डेड सी के बारे में। ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।